सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की तासिका में हम आज का सुविचार देखते हैं। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में मिलती है। इसका अर्थ यह है कि सफलता हमें हाथों में नहीं लिखा है, हमारे ना हाथों की लकीरों में लिखी है। सफलता हमारे मेहनत में है, हमारे कष्ट में है। जब वह मेहनत और वह कष्ट हमारे माथे से पसीना गिराता है, तब हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए तो कहते हैं कि मेहनत करो तभी उसका फल प्राप्त होगा, और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। अर्थात सफलता पाने के लिए हमें हमेशा मेहनत की आवश्यकता है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो विषय है हमारा, जो हमारा लाइव क्लास में भी चल रहा है, संधि। संधि यह विषय आपका ग्रामर का है, व्याकरण का है, जो परीक्षा में एक अंक के लिए पूछा जाता है। अब संधि क्या है, तो देखो परिभाषा ध्यान देखो। यहाँ पे संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल यानी जुड़ना। जब दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती है और वे एक नया रूप ग्रहण करती है, तो इस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। अर्थात दो ध्वनियाँ, अब आपको मालूम है क ख ग अ आ ई उ ए, ये सब ध्वनियाँ हैं। और ये जब दोनों ध्वनियाँ आपस में, ऐसी दो ध्वनियाँ जब आपस में मिलती है, तब इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अब संधि कैसे है उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे भवन, भवन यह शब्द दिया गया है, तो उसमें से स्वर क्या, दो ध्वनियाँ क्या है, भो धन अन, यह है भवन। दो स्वरों ओ धन अ की संधि से बना व है। इसी प्रकार से दीप धन अवली, दीपावली। दो स्वरों अ धन अ, यानी दीप में अ लगा और ये अ मिलाकर, दीप का अ और ये अ मिलाकर क्या बना है, दीपावली, और इसका आ बन गया है। यहाँ पे देखो, इस प्रकार वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान में आया, संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती है और वो एक नया रूप ग्रहण करती है, तो इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल को भी संधि कहते हैं, साधारण तरीके से इसकी परिभाषा। अब हम आगे देखते हैं, आगे है संधि के भेद। संधि के निम्नलिखित तीन भेद है, तीन प्रकार की संधि है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब पहला देखेंगे हम स्वर संधि। उसकी परिभाषा है, जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं, तब हम उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं, एक नया शब्द बनता है, तब हम उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि जब हम विच्छेद कर रहे हैं, तो विच्छेद वाले जो दो शब्द हमें मिल रहे हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ, ये दोनों का स्वर का जो मेल होता है, वह स्वर संधि कहलाता है। आपको ध्यान में आएगा, देखो जैसे सूर्योदय यह एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद का है, तो सूर्य धन उदय, यो जो शब्द है उसका विच्छेद किया गया है, वहाँ से अलग करने पर हमें दो शब्द मिल रहे हैं, सूर्य धन उदय। अर्थात सूर्य का अ लगा, उदय का उ मिलाकर ओ बना। तो ये सब नियम है, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप इससे अवगत होगे और आपको समझ में आएगा। भोजन धन आलय, भोजनालय, अ धन आ बराबर आ, यह है स्वर संधि के उदाहरण। वैसे तो स्वर संधि के पांच भेद है, पर हमें भेदों के अनुसार स्वर संधि को नहीं पढ़ना है, हम स्वर संधि
के भेद इतने अंदर तक का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको संधि का कौन सा प्रकार है इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। स्वर संधि के वैसे पांच प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। अब दीर्घ संधि क्या है वह देखिए, जब रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मिल से दीर्घ आ ई और उ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखिए। अब आप ये मत देखो कि दीर्घ संधि क्या है, यन क्या है, अयाधि क्या है, इतना डिटेल आप उस पर फोकस मत करो, ना ही उसकी परिभाषाओं को उतना आपको ये रखने की, आपको नियमों को ध्यान रखना है। नियम क्या, तो जैसे ये अधन अ मिलाकर आ, अब शब्द है अधिकांश, अधिक धन अंश, इससे मिलकर बना अधिकांश, दिन धन अंत दिनांत, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, चर धन अचर चराचर, अधन आ मिलाकर आ, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, परम धन आनंद परमानंद, गज धन आनंद गजानन, शिव धन आलय शिवालय। अब तीसरा नियम देखो, आ धन अ मिलाकर भी आ बना, यानी आ कैसा, रेखा का आ और अंकित का अ, ये है नियम रेखांकित, इन दोनों के जोड़ से शब्द मिला रेखांकित। विद्या या का आ, अर्थी का अ विद्यार्थी, परीक्षार्थी करुणामृत। अब नियम है नेक्स्ट, आ धन आ मिलाकर आ, जैसे महाधन आत्मा, अब महात्मा का हा और आत्मा का आ मिलाकर बना महात्मा। विद्यालय कृपाक्षी कृपाकांक्षी, श्रद्धानंद उसके आगे देखिए, ई धन ई मिलाकर बड़ी ई, अभिष्ट शब्द है, अभी धन इष्ट, अब छोटा ई है भी में और फिर से छोटा ई है, तो छोटा ई मिलाकर क्या हो गया, बड़ा ई, इसलिए ये जब लिखते समय ये शब्द बनाए तो अभिष्ट में भ की मात्रा बड़ी हो गई है। कपिंद्र रविंद्र अतिर्व परीक्षा गिरीश, अब यहाँ पे ई धन बड़ा ई मिलाकर बड़ा ई, यानी छोटा ई उसके साथ बड़ा ई मिलाकर भी बड़ा ई बनता है। कविश्वर क्षितिश, बड़ा ई और छोटा ई मिलाकर भी बड़ा ई बनता है। सचिंद्र सची में बड़ा ई और इंद्र का छोटा ई। नारिंदु नारीच्छा, महिंद्र बड़ा ई और बड़ा ई मिलाकर भी बड़ा ई बनता है। रजनी धन ईश रजनीश, सती धन ईश सतीश, नारी धनीश्वर नारीश्वर, नदी धन ईश नदीश। उसी प्रकार से आगे उ, छोटा उ और छोटा उ मिलाकर बड़ा उ, सु सु में छोटा उ, उक्ति का उ छोटा, तो ये बन गया सुक्ति, स में उ की, तो कौन से उ की मात्रा है, ये बड़े उ की मात्रा। भानुदय विधु धनुदय विधुदय लघुत्तर, छोटाई और छोटा उ और बड़ा उ मिलाकर भी बड़ा उ। सिंधुर्जा सिंधु धनुर्जा, मधु धन उष्मा मधुष्मा, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी, लघु धन उर्मी लघुर्मी, बड़ाऊ धन छोटाऊ मलाकर बड़ाऊ, भू धन उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधुत्सव वधुल्लेख भुन्नति, बड़ाऊ और बड़ाऊ मिलाकर भूर्जा, वधु धन ऊर्जा वधुर्जा। और आगे का वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं।